आप जिसका जिक्र कर रहे हैं ना, वो पश्चिम बंगाल वाली बात, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर है मेरे पास। यूपी से पहले बंगाल में आरक्षण का शोर, क्यों? ममता बनर्जी को हाईकोर्ट से झटका लगा। ममता के शासन के सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द हो गए। 2010 के बाद के सभी सर्टिफिकेट रद्द किए गए। सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया असंवैधानिक है, ये वहां के हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है। हाईकोर्ट की ममता सरकार पर एक सख्त टिप्पणी है। मुस्लिमों को आरक्षण वोट बैंक के लिए दिया गया। इससे जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आ गई, वो भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर है कि ममता ने फैसले को मानने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करेंगी ममता। ओबीसी आरक्षण जारी है और जारी रहेगा, ये कहा है ममता बनर्जी ने। उनका बयान, यानी ममता बनर्जी का बयान आपको सुनवाते हैं पूरा। किंतु बदमाश लोकेरा काज करा एजेंसी के दिए, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। যেমন 26,000 টিচারকে যখন বাতিল করেছিল বিজেপি, আমি বলেছিলাম ওদের রায় আমরা মানি না। তেমনি বলছি আজকে, যে রায় দিয়েছে যেই দিয়ে থাকুন, নাম বলবো না, জাজমেন্ট নিয়ে বলা যায় বিজেপির রায়টা আমরা মানব না। ওবিসি রিজার্ভেশন চলছে, চলবে। तो ममता ने कह दिया है कि मन मुना वो मानेंगी नहीं। अब ये जो रण छिड़ा हुआ है ना आरक्षण पर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पश्चिम बंगाल टू यूपी आरक्षण का रण कैसे छिड़ा हुआ, उसके एक एक पॉइंट समझिए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ममता सरकार ने क्या किया, हुआ ये कि 2010 में लेफ्ट सरकार ने 17% ओबीसी का आरक्षण दिया हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि आरक्षण को, ओबीसी का जो हिस्सा था उसको ए और बी में बांटा गया था, इसे उस तरह से अलग किया गया। ओबीसी का जो ए था उसमें 10% आरक्षण और उसमें 81 कम्युनिटी रखी गई थी, ए और बी में बांटा गया था। उसमें जो ए था उसमें दिया गया 10% आरक्षण, 81 कम्युनिटी बांटी गई थी। इन 81 कम्युनिटीज में 56 मुस्लिम जातियां थी। ए समझ लिया आपने, अब आइए बी समझते हैं। बी में क्या था कि 7% आरक्षण दिया गया था। इसमें 99 थे समुदाय, 99 कम्युनिटीज थी और इन 99 में 41 मुस्लिम जातियां रखी गई थी। 2011 में लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गई तो कानून नहीं बन सका। फिर साल आया 2012 का, 2012 में ममता ने 35 नई जातियों को ओबीसी में जोड़ दिया, शामिल कर दिया। कोलकाता हाईकोर्ट ने अब इस कानून को अवैध करार दे दिया है। कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इसमें धर्म ही एक मात्र मानदंड प्रतीत होता है जो आरक्षण दिया गया है उसमें। मुसलमानों को राजनीतिक उद्देश्य के लिए साधन माना गया है, ऐसा कोर्ट ने कहा है। कोर्ट ने 2010 के बाद जारी 5,00,000 से ज्यादा जो ओबीसी के सर्टिफिकेट थे वो रद्द कर दिए हैं। अब हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के सरकार में क्या हुआ जो उत्तर प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। लेकिन मेरी संवाददाता मनोज्ञा लोहिवाल भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, इस पर एक सवाल तो बनता ही है कि क्या ममता बनर्जी कोर्ट से ऊपर हैं, और अगर यह तुष्टिकरण नहीं है तो क्या है? देखिए, ये बात सच है कि क्या ममता बनर्जी कोर्ट से ऊपर हैं, तो कोई भी पूरे देश में कोर्ट से ऊपर नहीं है ऐसे में। लेकिन उनको ये जरूर काबिलियत हासिल है कि कोई भी अगर मुद्दे पर उनकी सामंजस्य की स्थिति ना बन रही हो तो उससे बड़ी अदालत यानी कि उच्चतम न्यायालय में आराम से जा सकती है राज्य सरकार भी और खुद ममता बनर्जी भी। पर यहाँ बात हो रही है फिलहाल की राजनीति की, और इस समय वर्तमान में जो दो फेज बाकी हैं पश्चिम बंगाल में, उनमें अधिकतर दक्षिण बंगाल है जहाँ पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की वजह से वोट बैंक की राजनीति पर सीधा असर पड़ेगा। हम ये सब जानते हैं कि बीजेपी बनाम तृणमूल कांग्रेस बंगाल की इस समय सबसे तीखी लड़ाई लड़ रहे हैं, और यही कारण है कि भले ही वो सारी सीटें हों दक्षिण बंगाल की जहां 2009 में सबसे पहले ममता बनर्जी ने जीत हासिल करके अपना परचम लहराया था, और उसके बाद 2011 में लोकसभा के बाद विधानसभा में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, तो ऐसे में इस बार लोकसभा में इसका सीधा असर पड़ता दिख रहा है। पहला, दूसरा ये कि जिस तरह से कोर्ट ने अपने तल्ख अंदाज में यह साफ कर दिया है कि अगर धर्म के आधार पर इस तरह से रिजर्वेशन और आरक्षण दिया गया है तो उसे किस तरह से खारिज किया जाए। हालांकि इसमें नौकरियां खारिज नहीं होती हैं जिन लोगों को मिली हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी और बेनिफिट्स हैं ओबीसी सर्टिफिकेट के जो खास तौर से मुस्लिम समुदाय को दिए गए हैं वो पूरी तरह से निरस्त हो जाते हैं। ठीक है, आप हमारे साथ रहिए बने हुए। ABP News, आपको रखे आगे।